आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आने वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा अपने संबोधन में किए गए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जिक्र को लेकर कई सदस्यों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विधायक मोहम्मद यूसुफ तारीगामी और मुबारक गुल ने मुख्यमंत्री के संबोधन का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री के संबोधन पर क्या कहना है दोनों विधायकों का, आइए आपको बताते हैं। चतुर्धारी वाजपेयी एक एजाज रखते थे और उनको मैंने ये भी कहा वो फर्स्ट प्रचारक थे जिनको तैनात किया गया था शायद जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा बस यात्रा की पाकिस्तान, और फिर ये कहा कि आप हमसायों को बदल नहीं सकते, दोस्तों को बदल सकते हैं। तो इस वजह से दोस्त अगर यहां अमन चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर में या हमारे मुल्क में, पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए बातचीत की, हमारे मुल्क को पहल करनी चाहिए बातचीत की। बारूद उधर का हो या इधर का हो, बारूद से चिंगारियां उठती है, प्यार नहीं, अमन नहीं, यकसानियत नहीं। तो इस वजह से मुनासिब होगा हमसाया आपस में बातचीत करें और सलीके से रहने की कोशिश करें। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम यहाँ आया, उसने कश्मीर के ऊपर बड़ा अपना जो उनका डॉक्यूमेंट था उसका जो विजन था, उसका जो विजन उसके ऊपर उन्होंने यहाँ असेंबली फोकस किया गया। जो उन्होंने लाहौर की पे बस ले ली, उसके बाद इंसानियत कश्मीर को जमुना के नाम पे उन्होंने किया, जो उन्हें रास्ते खोले, वो क्या उनको पता था कि यहाँ कौन से जख्म लगे, वो अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों को मरहम लगाना चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब वो जानते थे कि एक रास्ता है वो डहरा जम्मू से कुछ नहीं होगा, किसी लड़ाई की वजह से कुछ नहीं होगा, डायलॉग से सब कुछ हल होगा, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने समझ लिया था। तब उन्होंने ये कोशिश की कि रास्ते वास्ते खोल के, जो हम ख्वाब देख रहे थे एक जमाने में, हम ख्वाब देख रहे थे कि राहुल गांधी रोड हम कर रहे थे खोल दो, लेकिन उन्होंने वो रास्ते खोल दिए वहाँ। ये तो एक है हकीकत से जवाब तो थी वाल बॉर्डर, लेकिन बॉर्डर को उसने कहा हम उसको आसान बनाएंगे इधर से उधर आने को, ताकि लोगों ये जो दुश्मनी है वो दस्ती में बदल जाए। उसने कहा कि हमसाये दोस्त बदल सकते हैं, हमसाये नहीं बदल सकते हैं। ये तो एक जहन की बात है कि उनके जहन में ये बात आई कि हमसाये हमेशा उधर ही है, दोस्त आज एक कल होगा। पॉलिटिक्स में भी कोई आज दोस्त है कल दुश्मन होता है, कल का दुश्मन आज का दोस्त होता है, ये जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी ने उनके लिए नामित विधानसभा की एक सीट किसी राजनीतिक दल से संबंधित नेता को न देने की मांग की है। 1947 को पीओकेके के से स्थापित होकर आए इन लोगों ने ये सीट शरणार्थियों के लिए जद्दोजहद करने वाले किसी एक व्यक्ति को देने की जरूरत पर बल दिया। कमेटी के अध्यक्ष गुरदेव सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आज तक की हर सरकारों में पीओकेके के शरणार्थियों में से एक विधायक या फिर MLC चुने जाते रहे हैं, और लेकिन उनमें से कोई भी शरणार्थियों के मुद्दे को हल नहीं करवा सका है। यही वजह है कि यह सीट अब किसी राजनीतिक दल के खाते में नहीं जानी चाहिए। मैं डिमांड यह कह रहा हूँ कि हमारी जो एक सीट जो है जो इन्होंने नॉमिनेशन के लिए रखी है, वो नॉमिनेशन जो है वो किसी पोलिटिकल पार्टी से नहीं होनी चाहिए, वो नॉमिनेशन और खर्च पार्टी होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपनी नुमाइंदगी खुद कर सकें। क्योंकि जो तजर्बा पिछड़ा जो एक्सपीरियंस हमारा पिछड़ा है वो यही बताता है कि जब जब भी इलेक्शन हुई हर सरकार में जो एक दो तीन आदमी जो थे वो पीएचडी MLA या MLC जाकर रहे, लेकिन वो पार्टी की पॉलिसी में उनकी डिसिप्लिन में बंधे हुए थे, उन्होंने कभी भी हमारा जो इशू है असेंबली में या पार्लियामेंट में रेज नहीं किया उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें से नॉमिनेशन किसी को दी जाएगी, हमारे लोगों ने जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जब उनमें से किसी को नॉमिनेट किया जाएगा तो डेफिनेटली वो क्योंकि वो किसी पॉलिसी या किसी डिसिप्लिन में बदल नहीं होगा, एक्चुअली अपने लोगों की बात करेगा, वो जो जेटी वालों की बात करेगा, तो वो हम चाहते हैं कि उनमें से उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी होनी चाहिए, बाय चलिए पोलिटिकल पार्टी से किसी की नॉमिनेशन होनी चाहिए। अगर ये करेंगे तो वो बहुत बड़ी इंसाफी होगी और उसका कोई कोई पर्पज नहीं रहेगा। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को ट्रांसपोर्टरों के कदर अन्य संगठनों का साथ मिला है। ये सभी ट्रांसपोर्ट संगठन जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में शामिल हो गए हैं, और खास बात यह है कि इनमें से कुछ संगठन कश्मीर से भी संबंध रखते हैं। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन
अजीत सिंह ने जम्मू में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन सभी ट्रांसपोर्टरों का एसोसिएशन में स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इससे जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ताकत बढ़ी है और ट्रांसपोर्टरों के सभी मुद्दों से अब सिलसिलेवार ढंग से नई सरकार को अवगत कराया जाएगा ताकि उन्हें हल किया जा सके। जो आज के प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होकर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक स्टेज में एक झंडे के रूप लाए हैं और वो झंडा है आर जी एन के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। तो यहाँ में सभी साहब का और उनकी पूरी टीम का, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो बहुत मतलब 30-35 बंदे तो खाली अभी प्रेजेंट जो है कश्मीर से आए हुए हैं, तो मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ट्रांसपोर्ट का दर्द समझते हुए आज सबने एक प्लेटफॉर्म में आकर एक आवाज में आज जीएम के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को समर्थन दिया है और एक झंडे के नीचे आके अपनी प्रॉब्लम्स को उठाने का, अपनी प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाने का, अपने वो ड्राइवर भाई, अपने वो ट्रांसपोर्टरों की बात हल कराने का, उन प्रॉब्लम्स को हल कराने के लिए आज सबने एक आवाज में जो अपनी आवाजों को एक आवाज बनाया है, मैं उसके लिए सबका थैंक्स करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आज सब एक प्लेटफॉर्म में आके इकट्ठा हुए हैं वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग से सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि पहले एलजी प्रशासन था, एलजी गवर्नमेंट थी, तो हम एलजी प्रशासन के साथ चलते हमेशा टेबल टॉक के थ्रू हमारी कोशिश होती थी कि टेबल टॉक के थ्रू ही हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोसीजर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स का हल खोजें। तो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है तो हम सब ये वादा करते हैं ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्टरों से, कि हम जैसे पहले एलजी प्रशासन के साथ चलते वैसे ही अभी चुनिंदा सरकार जो आई है उनके साथ चल के ट्रांसपोर्टरों की जो समस्याएं हैं उनका हल जो है वो देश के अन्य हिस्सों की तर्ज पर पुंछ में भी आज बाज मजदूरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, समाज कल्याण विभाग, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, श्रम विभाग और पुलिस की तरफ से चलाए गए इस अभियान में होटलों, ढाबों, वर्कशॉप व अन्य दुकानों पर छापे मारकर दो बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया। इस दौरान दुकानदारों को बाल मजदूरी के खिलाफ बनाए गए कानून की भी जानकारी दी गई और ताकि वो कभी भी नाबालिगों को अपने अपने संस्थानों में काम पर न रख सके। ड्राइव हमने रखी हुई है, ये टेन इंडिया प्रोग्राम एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चिल्ड्रन की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कम्युनिकेशन था कि पूरे भारत में जो है एक रेस्क्यू ड्राइव चलानी है बच्चों के लिए, तो कहीं भी कोई बच्चा जो 18 साल से कम जो है वो कहीं भी काम करता ना पाया जाए, तो उसी के सिलसिले में जो हमने पहले दो ड्राइव मेन सिटी में की थी तो उसी का आज ये कड़ी में हमने ये पुंछ जो इस मार्केट में किया है। तो इसमें हमारे साथ आज हमारे साथ डालसा पुलिस डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से ये किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट की तरफ से। तो इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं सबको हमने चेक किया है कि कहीं से भी कोई बच्चा चाइल्ड लाइफ लेबर जो एक्ट है उसकी वायलेशन तो नहीं हो रही है। तो हमें आज बड़ा अच्छा कॉपरेशन मिल रहा है, जिसमें जहाँ भी हम गए लोगों ने हमें सब कॉपरेट किया है और फिर भी मैं आपके माध्यम से ये लोगों से अपील करूँगा कि जहाँ पर भी हमारी टीम जाए इसके साथ कॉपरेट कीजिए और इसमें हमारी सहायता कीजिए कि कोई भी बच्चा जो है स्कूल से बाहर ना हो, कम से कम उसको मिनिमम जो एजुकेशन है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत वो एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसमें हमें जनरल पब्लिक की बहुत कॉपरेशन और सहायता की जरूरत है ताकि हमारा जो भविष्य है वो कहीं भी जाते सड़कों पर या दुकानों पर जाते उसका भविष्य जो हो खराब ना हो। आप यही अपील रहेगी कि जब भी हम आ पाएँ हम आपके पास आते हैं, हमारे कॉपरेट कीजिए और बच्चों को जो कहीं गेम मिलता है हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है जो 1098 है, कहीं भी आपको कहीं बच्चा काम करता दिखाई देता है या किसी भी दूसरे तक सरकम पास में है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए 1098 24 घंटे नंबर चलता है और आपकी सहायता के लिए। राजौरी को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाने और साफ सुथरा बनाने के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल द्वारा एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। आज इस अभियान के तहत म्यूनिसिपल काउंसिल की टीम ने पुलिस की मदद से राजौरी में कई जगहों पर दुकानदारों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण हटा दिए। देखिए राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल राजौरी की एक मुहिम पिछले दो दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। खास शहर में लगातार गैर कानूनी तौर पर रेड़ी फड़ियां और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए यू म्यूनिसिपल काउंसिल राजौरी हमारे साथ है। सर किस तरह की मुहिम है? देखिए अभी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव टूर भी लगा रहे हैं, इसके दो तीन मकसद हैं इस टूर से।
सबसे पहले है कि जो एंटी एनक्रोचमेंट हम ड्राइव जो चला रहे हैं, जो भी स्मॉल एनक्रोचमेंट्स हैं उसको हटा रहे हैं। प्रैक्टिकली एक एनालिसिस भी है हमारी की जो हम फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हैं ट्रैफिक डीकंजेशन के लिए, उसमें हमने कुछ स्टेप लिए हैं, जैसे डेरा बस स्टैंड का भी हमने म्यूनसिपैलिटी ने काम किया, वो उसके ओवरऑल कुछ जगहें हैं उसको हम नो पार्किंग जोन कर रहे हैं, कुछ जगहें हैं उनको हम पार्किंग जोन करेंगे डिक्लेयर, कुछ जगहें ऐसी उनको वेंडिंग जोन करेंगे, कुछ नॉन वेंडिंग जोन कर रहे हैं। तो इसलिए ये ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव टूर है। देखें ये हमारी वर्दी डीसी साहब की डायरेक्शन थी कि लोगों की आराम के लिए ऐसे ऐसी जगहें जो पब्लिक स्पेस लोग बैठते हैं कहीं हैं उस पर काम किया जाए, तो वर्दी डीसी साहब की डायरेक्शन से ये अभी काम हो रहा है तो हम काम कर रहे हैं। और बिल्कुल जो आपने बोला, हम ऐसी जगहें देख रहे हैं, ऐसी जगहें देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी एनक्रोच हो लोगों को राहत मिले, तो उस पर हम काम करेंगे। और तमाम जगह पर ऐसी जगह बेंचेज है वो लगाई जाएंगी, खासकर मार्केट एरिया, खासकर वो एरिया में हम ये काम करेंगे। इतना पूरी हमारी टीम जो ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है ये लगातार चलता रहेगा, और ट्रैफिक पुलिस जो डायरेक्शन हुई है हमारी पुलिस भी साथ है, और हमारे एनजीओ साहब सुशीलदार साहब, हम सारे इलाके इसको रिमूव करेंगे और इसको बिल्कुल एक स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए अवेलेबल कर देंगे। डोगरी भाषा की अंग्रेजी किए जाने का आरोप लगाते हुए डोगरी के स्टूडेंट्स और स्कॉलर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। जम्मू में आज इन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए सरकार पर डोगरी भाषा को उसका हक न दिए जाने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति में ही डोगरी भाषा को उसकी जगह नहीं मिल पाई, और यही वजह है कि आज यहाँ कुछ एक स्कूलों में डोगरी भाषा पढ़ाई जा रही है, वहीं डोगरी के कई स्कॉलर और स्टूडेंट्स भी आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। ਕੀ 575 ਰੇੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੋਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2022-23 ਦੀ ਫਰੇਮ ਹੋਈ ਦੀ, लेकिन अजे तक इन्ना टाइम होने के बावजूद ना तुसीं सुना 428 सेंटरियां जिहड़ियां जम्मू प्रोविंस दे विच ना, जिंदे विच गिनतरी 7-8 आए सेंटरियां विच डोगरी पढ़ाई जा रही, ते उंदे विच भी ओवरऑल जम्मू प्रोविंस दे विच सिर्फ इक लैक्चर दा दित्ता गया। मैं तुसीं सुनाणा कि इन्ने ज्यादा स्कॉलर ने जिहड़े पीएचडी होल्डर ने या जिहड़े एमए करियर डोगरी दे बैठे ने उह अबाउट टू ओवर एज होने जा रहे। तो फिर मैं गल सुनाओ, तुसीं डोगरी दी गल करदे हो, शब्द लैंदे हो डोगरी, साढ़े सांसद साहब भी शब्द लैंदे, साढ़े PMLA साहब भी शब्द लैंदे, लेकिन जिल्लै डोगरी दी अक्ख दी गल आंदी उह तां कुतै ना कुतै डोगरी दी अक्ख वी मारिया जांदा है। अस इह डिमांड करना चाहुंदे कि डोगरी दी नुहाड़ा बंदा केड़ा दित्ता जा। अगर 428 स्टेटरियां हैं ना, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिहड़ी तुहाड़ी सरकार ने बनाई दी है, केंद्र सरकार दी बनाई जिहड़ी, उह आहदी है कि रीजनल लैंगुएज कंपलसरी है, बच्चे की पढ़नी कोला लेइए 12वीं तक पढ़ने पौनी है। तो साड़ी ये डिमांड है कि जिहड़ी स्कूलें दे विच डोगरी कंपलसरी कीती जा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के पदों के लिए भर्तियों में उम्र की छूट की मांग को लेकर जम्मू में आज प्रदर्शन हुआ। युवाओं ने इस मांग को जोर शोर से उठाते हुए सरकार से इसे पूरा करने का आह्वान किया। उनके मुताबिक 8 साल बाद होने जा रही इन भर्तियों में युवाओं को उम्र में छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि कई युवा अब ओवर एज हो गए हैं। हमें काफी समय से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, जगह जगह डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं हम सरकार को, वर्तमान सरकार को हम, और एलजी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो JKPSI कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें एज रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए। ये 8 साल के बाद जो है रिक्रूटमेंट हो रही है, इसमें काफ़ी समय का इंतजार करना पड़ा। जो एस्पिरेंट्स थे 8 साल के बाद वो आज की डेट में ओवर एज हो चुके हैं। इसके बीच में कोविड भी आया, कोविड के कारण से जो है पूरे देश के अंदर, पूरी यूटीज के अंदर जो है एज रिलैक्सेशन दी गई। जो SSC सबसे बड़ी जो रिक्रूटिंग बॉडी है उसमें भी एज रिलैक्सेशन दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेट पूरे देश के अंदर एक वही जम्मू कश्मीर जो UT है इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं हमें। जो बच्चे हमारे जो रात दिन मेहनत करके जो JKPSI कांस्टेबल की तैयारी कर चुके हैं वो इसमें फाल आज की डेट में नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा जो बच्चे हैं जो देश की सेवा में आप मतलब आगे अपना योगदान देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में अपना योगदान देना चाहते हैं देश की भलाई और बेहतरी के लिए,
तो वर्तमान सरकार को इस डिसीजन पे जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इस जो है रिक्रूटमेंट को जो डेट को है डेफर भी किया जाना चाहिए और इनको एज रिलैक्सेशन भी मिलनी चाहिए। हमारा यही अनुरोध जो है वर्तमान सरकार से है कि इससे जल्द से जल्द जो है डिसीजन लिया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय पर हम जो है पूरी जम्मू कश्मीर के सड़कों पर युवा जो उतर आएगा। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए डेजिटेड मुलाजमों ने मौजूदा सरकार के अलावा पूर्व सरकारों पर उनकी मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया है। जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए इन पुलिस पेंशनरों ने आरोप लगाया है कि बार बार एसोसिएशन मिलने के बावजूद भी उनके साथ बेइंसाफी की जा रही है। हम ये चाहते हैं जिस तरह सीआरपी बीएसएफ अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज के कागज जिस वक्त वो लैंड से वोट होते हैं उस वक्त उनको पूरे बेनिफिट और मालूमेट दिए जाते हैं, उसी तरह पर हमारा भी होना चाहिए। मैं डीजी साहब से और खासकर गवर्नर साहब से ये बात कहूंगा कि ये इस जो खामी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो आपको मालूम है कि सारी जिंदगी सर्विस करने के बाद आर्मी को कितने पैसे की जरूरत होती है और उस वजह से आर्मी धर्मोधर्म हो जाता है और वो अपने दो चार होता है वो सालों के हिसाब से उसकी पेंशन नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चों की रिजर्वेशन और प्रोफेशनल कॉलेज में उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए और रिक्रूटमेंट में भर्ती होनी चाहिए। और तीसरा जो मेडिकल हेल्थ केयर है जिस तरह सीआरपी आर्मी बीएसएफ के जो ईसीएफ कार्ड बने उसी तरह पर हमारे भी कार्ड बने। अपनी मांगों को लेकर एसआरटीसी के वॉलंटियर रिटायर्ड कर्मियों के प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। आज भी अपनी मांगों को लेकर एसआरटीसी के वॉलंटियर रिटायर्ड कर्मियों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे एसोसिएशन के प्रधान देवराज बाली ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने और कोला की बकाया किस्तें जारी करने की मांग को लेकर वो पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि ट्रांसपोर्ट विभाग उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। एसोसिएशन के बैनर के नीचे जिसके प्रधान है रमेश सिंह भाजी, इन्होंने नहीं जो न्याय तैयार किया अपने बैनर के, हम इनकी सपोर्ट के लिए आए हैं लेकिन डिमांड सेम है, डिपार्टमेंट भी सेम है, डिमांड भी सेम है। आप जितने भी प्रदर्शन किया हम इकट्ठे कर दो, आगे भी हम इकट्ठे ही चलेंगे। हमारी सरकार से ये मांग है कि जो हमारे साथ आपने कमिटमेंट की थी वो उसकी पूरी किए, कमिटमेंट की थी जो पेंडिंग ड्यूज हमारे जिसमें कोला एरिया सिक्स वे कमीशन एरिया एंड ई एरिया जिसका अमाउंट है जम्मू प्रोविंस का 60,24,28,293 रुपये इंक्लूडिंग वीआरएस एम्प्लाई, हम सरकार से कहना चाहते हैं विदिन डेज तक हमारे जो पेंडिंग ड्यूज क्लियर किए हैं, क्योंकि हम कॉरपोरेशन के एम्प्लाईज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट भी नहीं है। यही है जो एरियर का दारोमदार वो भी सरकार ने अपने पास रखा हुआ है, उसमें जो कोला एरियर है और सरकार ने माना दिया था, और जो आज सरकार आई है चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी हम जितने भी जिनके भी हैं पेंडेंट ड्यूज चाहे एम्प्लाईज है चाहे रिटायरमेंट जो भी है हम देंगे। हम सरकार से ये अपील करते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला से कि जो आपने आम जनता के साथ वादा किया इंक्लूडिंग रिटायर एम्प्लाईज आपने जो हमारे साथ प्रॉमिस किया था उसको पूरा किया, अगर सरकार हमारा वादा नहीं करती तो नेक्स्ट वीक में अगले हफ्ते में हमारा जो प्रोग्राम है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अपनी सेवाएं दे चुके पोर्टों के सब्र का पैमाना फिर से छलकने लगा है। इन पोर्टों ने उनका पुनर्वास किए जाने या फिर गुजारा भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर जम्मू में आज फिर प्रदर्शन किया। पोर्टों के अनुसार बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी ना तो उन्हें सेना में भर्ती किया जा गया और न ही अब तक उनके आर्थिक तौर पर कोई मदद की गई है। दिल्ली में चले गए, संसद भवन में चले गए, वहाँ पर हमारी बातचीत हुई, सारी फाइल वगैरह उन्होंने ली और हमें आश्वासन भी दिया कि भाई अभी आने वाला जो भर्ती है उसमें आपको ले लेंगे, 140 में कुछ डाले जाएंगे, कुछ एयरफोर्स में डाले जाएंगे, कुछ एमईएस में डाले जाएंगे, तो ये थोड़े से लड़ते हैं उनका काम हो जाएगा। पर बदकिस्मती ये है कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ, आश्वासन प्रशासन दिया जा रहा है लेकिन काम कोई नहीं हुआ। तो हमारी बार बार ये बताती है कि अब गवर्नमेंट से अपील है और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो जो बेरोजगार लड़के जो कारगिल टाइगर हिल में जो मतलब काम करके आए हैं, अब देखो ना जम्मू में कोई इनके लिए कोई मतलब कोई एक्टिविटी करते हैं, ये प्रोटेस्ट करते हैं, इनका कोई सुनवाई नहीं होती। और जो कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नेशनल एंटी एक्टिविटीज करते हैं, पत्थर मारते हैं, गोलियां चलाते हैं, उनको नीति बनाई जाती है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये जो हम वोटर हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको या तो परमानेंट कोई
सेटलमेंट करें, जब कोई पेंशन कर उम्मीद में जाए, रिलीज दिया जाए ताकि इनका थोड़ा सा गुजारा भत्ता हो जाए। यही हमारी गवर्नमेंट की डिमांड है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के कारण दुष्णा करते में जगह जगह गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। दुष्णा में भी अस्थायी सफाई कर्मचारी नियमित करने की मांग को लेकर काम छोड़ हड़ताल पर है, जिससे अब वहां महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। मौजूदा समय में डेंगू सहित मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं और ऐसे में समय में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हर कोई सकते में आ गया है। दुष्णा व्यापार मंडल के प्रधान नारायण दत्त शर्मा सहित अन्य संस्थाओं के सदस्यों ने सरकार से सफाई कर्मचारियों से बातचीत कर उनके मुद्दों को सुलझाने की मांग की है, ताकि हालात और बेकाबू न हो पाए। यहाँ पे आप देखिए डेंगू के भी बड़े पेशेंट निकल रहे हैं, तो इसमें और खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि जहाँ सफाई नहीं होगी वहाँ पे मच्छर पैदा होगा, और मच्छर पैदा होगा तो डेंगू आएगा। तो इस वक्त डेंगू के रोज 50-60 जो केसेज निकल रहे हैं जम्मू में, ऐसा ना हो बढ़ जाए और ऐसी कैजुअलिटी होने का डर रहे, तो सरकार को डिपार्टमेंट को चाहिए कि इनके साथ बात करे और जो भी व्यवस्था हो बिस्ना की सफाई की या और भी जो आरसपुरा या जहाँ जहाँ भी इन्होंने स्ट्राइक किया उनके साथ बात करें। जब म्यूनसिपैलिटियाँ नहीं होती थी, कॉरपोरेशन नहीं होती थी, तब भी तो व्यवस्था गाँव के अंदर अच्छी व्यवस्था होती थी, तो लोगों को भी अपना कोई जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए और कहीं एक जगह निश्चित कर दी जाइए जहाँ का दूसरों को तकलीफ नहीं हो, वहाँ पे कूड़ा फेंके। और मैं जो डिपार्टमेंट है उससे कहूँगा कि डायरेक्टर साहब हैं या और भी जो बड़े अफसर हैं वो खुद बात करें या जो भी सरकार बनी हुई है उससे बात करें। और हमारे MLA राजीव भगत जी जहाँ जीते हुए हैं, मैं उनसे भी ये उनके नोटिस में भी लाता हूँ, वो भी अपनी तरफ से कोई बात करते हैं। तो यही है कि सर जल्दी से जल्दी इसका कोई निपटारा होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशानी है, लोगों को नहीं है, जो आम दुकानदार हैं बिस्ना के जो लोग वो भी परेशान है इससे कि इतनी गंदगी हो चुकी है। आज 4 दिन हो गया गंदगी इतनी, और इतनी स्मेल है वहाँ, और साथ में डेंगू है, मच्छर भी पैदा बहुत हुआ है और उसके साथ डेंगू है, और लोगों को इतनी परेशानी आ रही है, दुकानदारों को इतनी परेशानी आ रही है। हमें समझ नहीं आती जो पक्के मुलाजिम है वो क्यों नहीं काम कर रहे। आपका तो फर्ज बनता है, आप पक्के हो, आप तनख्वाह लेते हो सरकार से, महीने में आपको तनख्वाह डालती है सरकार, तो आप तो काम करें। हाँ मानते हैं हम कच्चे हैं, जो कच्चे है सरकार आपकी मांग जायज है कि आप कच्चे हो तो हमें पक्के करो, उसकी आप ठीक है, आपकी जायज मांग है, लेकिन जो पक्के हैं उनको काम करना चाहिए। ये तो नोटिफाई कमेटी एरिया का कमेटी का काम है, जो इन मुलाजिमों को बोलना चाहिए। EO साहब ने जो नए आए हैं उन्होंने बोलना चाहिए अपने मुलाजिमों को, जो पक्के मुलाजिम उनसे काम करवाना चाहिए। कितनी देर आप बंद रहोगे, यहाँ बीमारी फैलेगी, लोग बीमार होंगे, हॉस्पिटल में लोग बेड पे पड़े रहेंगे, बिछड़ा लोगों को, बाहर लोगों को नुकसान होगा। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके EO से और प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके पक्के मुलाजिम उनको काम पे लगाएं, वो काम करें, दूसरों को ट्राई करने दो, उनका हक है, लेकिन जो पक्के हैं उनको काम कराएं। सूर्योपासना का 4 दिवसीय छठ पर्व आज शुभारंभ हुआ और नहाय खाए के साथ पूजन व्रत की शुरुआत हुई। छठ पर्व मनाने वाले परिवारों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। जम्मू में प्रवासियों ने पूजा के सामान की दुकानें सजा दी हैं, जहां प्रवासी लोग पूजा के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। जैसे छठी मैया की पूजा है, आज से हमने दुकान लगाए और 7 तारीख का पूजा है, छठी माता है। 7 तारीख को हमें 4 बजे घाट पे आकर के पानी में उसके तरफ घूम कर रहने पड़ते हैं, हाथ में लेकर के जो होता है कलसा। फिर रात को 9 बजे के बाद फिर हमें सुबह 4 बजे आना है 8 तारीख को। 8 तारीख को 4 बजे आकर के जब तक सूर्यनारायण जी उदय होगा तब तक हमें पानी में खड़ा होने पड़ता है, और ये जितने है सब ये चढ़ावा उन्हीं की है। जैसे सुपनी हो गया, टोकरी हो गया, ये सब में सजावट होता है इसका। क्या क्या मंत्र मांग लेते हैं? जैसे उसका बनते हैं पकवान, जो ठकुआ बनते हैं वो चावल के, वो लड्डू के जैसे, उसको हमारे भाषा में भुसवा बोलते हैं, वो बनते हैं। ये अदरक हो गया, हल्दी हो गया, गागल हो गया, नारियल हो गया, ये केला हो गया, जितने सीताफल है ये सब माता जी के चढ़ावे में लगते हैं। मनी पूरी होती है? हाँ, मनी जो आप उनके वो पूर्ण से करोगे ना, वो पूरा माता जी पूरा कर देते हैं। ये इस तरह का त्यौहार है कि बहुत अच्छे से मनाते हैं इसको, छठी मैया को। सबसे बड़ा त्यौहार हमारा यही होता है, तो 3 दिन तक चलेगा। आज कद्दू भात भी खाएंगे और आज से शुरू हो गया। पर
इसमें जो मन्नत मांगेगा सभी पूरी होती है, जो भी मांगेंगे, बड़ा माने छोटा मांगे कोई भी मांगे सभी मन्नतें पूरी होती है। कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ये बिहार में ज्यादा मनाया जाता है, पटना हो गया है ना, तो सबसे ज्यादा बिहार में ही मनाया जाता है, और जिसकी मन्नतें पूरी होती वो भी मनाता है, ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब कोई नहीं मना सकता जिसकी मन्नतें पूरी होती। चलिए न्यूज़ 30 में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।